Hello, I'm Neha and I welcome you to Chanakya IAS Academy YouTube channel. Today, in this video, we'll discuss important editorials from the Hindu newspaper and Indian Express. The list of topics are mentioned here. The first topic is, the world needs to stop taking water for granted. The second topic is, the Indian Himalayan region needs its own EIA. The third topic is, centralized procurement as a powerful health idea. The fourth topic is the BRI at 10, some hits, many misses. And the fifth topic is an opportunity to recast India's food system. So we'll start with the first topic now. That is, the world needs to stop taking water for granted. So basically, abhi World Food Day celebrate kiya gaya tha, jiski theme thi, water is life and water is food, which basically highlights the need for improved water management practices. आप सबको पता होगा कि climate change काफ़ी news में है and climate change की वजह से हमें काफ़ी adverse events भी देखने को मिल रहे हैं. Adverse events in terms of floods, droughts and heat waves. जिससे क्या हो रहा है कि हमारी जो agriculture production है उस पर काफ़ी adverse impact देखने को मिल रहा है. Also, glaciers melt हो रहे हैं, sea levels rise हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो रही है. एंड इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है सबसे ज़्यादा? अपने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे. ये प्रॉब्लम को और एग्रेवेट क्या कर रहा है? पोल्यूशन एंड पुअर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. यहाँ पे एक डेटा भी है जो हाईलाइट कर रहा है कि रेन फेड राइस ईल्स जो है दैट वुड डिक्लाइन बाई अराउंड 20% इन 2050 एंड 47% इन 2080. ऑल्सो जो इरीगेटेड राइस हील्स हैं वो अराउंड 3.5% डिक्लाइन हो जाएंगे 2050 तक एंड अराउंड 5% डिक्लाइन हो जाएंगे 2080 तक. वीट हील्स का भी यहाँ पे बताया गया है दैट वीट हील्स आर प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज बाय अराउंड 19.3% इन 2050 एंड अराउंड 40% इन 2080. तो बेसिकली जो वर्ल्ड फूड डे है उनने जो थीम रखी है वो अपने को क्या बताना चाह रहे हैं कि वाटर को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो क्या होगा, वाटर स्ट्रेस जो आज हम फेस कर रहे हैं वो काफ़ी बढ़ता जाएगा. तो अभी और टॉपिक में थोड़ा डेप्थ में जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि वाटर स्ट्रेस के क्या क्या कॉजेज हैं. तो एग्रीकल्चर अपने को पता है कि एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी हमारे पास देखते हैं हम कि कई जगह तो हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है एंड दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है. दूसरी चीज़ जो है वो हमारी अर्बनाइजेशन है. अर्बनाइजेशन के चलते क्या हो रहा है कि हमारी लैंड्स पर एनक्रोचमेंट हो रहा है, लैंड्स पे एनक्रोचमेंट हो रहा है. तो उससे क्या हो रहा है, जो पहले आपकी लैंड्स थी वहाँ से वाटर सीप डाउन हो जाता था नीचे, बट अब उस प्लेन एरिया में आपकी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही है एंड बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होने के कारण जो कॉन्क्रिटाइजेशन हुआ है उसके कारण वाटर अब सीप नहीं हो पा रहा है. थर्ड चीज़ जो है कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट. आप देख रहे होंगे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो बिना पानी को ट्रीट करे, बिना वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करे फ्लश आउट कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं वापस. तो हमारी रिवर्स वगैरह में जो पोल्यूशन है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है. और चौथी चीज़ जो है वो है अवेयरनेस. हम सिटीजन्स भी काफ़ी कम अवेयर हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम नॉर्मल डे टू डे यूज़ में लेट्स से ब्रश भी कर रहे हैं तो हम पूरा टैप खोल देते हैं, विच शुड नॉट बी द केस. हम थोड़ा सा खोल के भी अपना काम कर सकते हैं. तो जो जनरल अवेयरनेस है पब्लिक में वो भी काफ़ी कम है एंड ये सारी चीज़ें हमारे वाटर स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं. ऑल्सो एक और जो चीज़ है कि जो हमारी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वैरिड है और अनइवन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटीरियर पेनिनसुलर रीजन की बात करूँ तो वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी स्केर्स है. या अगर मैं वेस्टर्न राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पर भी वाटर अवेलेबिलिटी आपको काफ़ी कम मिलेगी. एंड कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो प्लेन्स जो अपने एरिया जहाँ पे अपनी रिवर्स है, गंगा यमुना रिवर्स जो हैं, वहाँ पे आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी फिर भी ठीक है. पॉल्यूशन एक दूसरी चीज़ है बट हाँ, आपका वाटर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेलेबल है. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी है. दूसरा, मॉनसून पे भी हमारी काफ़ी डिपेंडेंस है. जो हमारा एग्रीकल्चर भी है वो भी मोस्टली रेन फेड है, मॉनसून पे हमारी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है और ये भी अपने वाटर स्ट्रेस को क्या करता है,
एग्रीवेट करता है। तीसरा जो चीज़ है कि रिड्यूस्ड ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, हमने हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर लिया है कि अब जो हमारे ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल्स हैं वो काफ़ी डिक्रीज होते जा रहे हैं। और लास्ट जो है कंटेमिनेशन, कि जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी अब कंटेमिनेटेड है और पल्यूटेड है। तो ये हमारे थे कॉजेज वाटर स्ट्रेस के। तो इन सबको डील करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उनने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, और ये इनिशिएटिव्स आप अपने आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हो, अपने कंक्लूजन में भी मेंशन कर सकते हो मेंस में कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो वाटर स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। तो यू कैन मेंशन अबाउट जल शक्ति अभियान, यू कैन मेंशन अबाउट अटल भूजल मिशन, यू कैन मेंशन अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एंड ऑल्सो वी हैव कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो ये इनिशिएटिव्स आप अपने आंसर्स में लिखोगे तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को भी काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कोई कॉज बता रहे हो, कोई प्रॉब्लम बता रहे हो, तो आपके पास उसका सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ दीज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये इनिशिएटिव्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं, साथ में हमारे कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव प्रोग्राम्स विच एम एट एनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी, सच एज फार्मर वाटर स्कूल एंड द आंध्र प्रदेश फार्मर मैनेज्ड ग्राउंड वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट। यू कैन मेंशन दीज नेम्स, द नेम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इन योर आंसर। सिमिलरली जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, दे ऑल्सो सपोर्ट इनिशिएटिव्स विच फोकस ऑन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, World Food Program aims to bolster the resilience of small-scale farmers through solar technologies, through community-based climate advisory services, and a millet value chain. So you can always mention these initiatives in your answer. जो तीसरा है वो है हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट विच प्रमोट्स एनवायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आईफेड क्या कर रहा है, आपके माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रमोट कर रहा है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल विच इज नाउ व्हाट इज द वे अहेड। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने कॉजेज डिस्कस किए कि वाटर स्ट्रेस क्यों हो रहा है, हमने इंडियन इनिशिएटिव्स डिस्कस किए, हमने इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं हमारे वे अहेड की, व्हाट शुड बी द वे अहेड। तो सबसे पहले आपको पता होगा पॉलिटिकल कमिटमेंट जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल कमिटमेंट। तो अब हम बात करते हैं वे अहेड की। तो सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटिकल कमिटमेंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को हमें प्रमोट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो और क्लाइमेट रेजिलियंस भी हो। क्लाइमेट रेजिलियंस का क्या मतलब हो कि आपकी जो क्लाइमेट चेंज है और अब हमारी जो उससे लड़ने की क्षमता है उसमें आप बढ़ोतरी देख रहे हो। तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी सस्टेनेबल इरीगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस कम्बाइंड विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर रूरल कम्युनिटीज। लास्ट जो है हमारा कि हमें फूड एंड वाटर रिसाइकलिंग मेथड्स पे फोकस करना चाहिए, और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी इसके लिए लिए गए हैं वो है जैसे सोलर फॉर रेजिलियंस, सिक्योर फिशिंग एंड द मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम। तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दीज इनिशिएटिव्स लाइक सोलर फॉर रेजिलियंस, सिक्योर फिशिंग एंड मिलेट रिवाइवल प्रोग्राम। इससे क्या होगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाएगा कि आपको टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज है। So now let's go to the next topic, that is the Indian Himalayan region needs its own EIA. So EIA क्या है? Basically Environment Impact Assessment. कि let's say कोई भी project अपन लेते हैं, उस project का environment पे क्या impact होगा
बेसिकली वो हम EIA के थ्रू असेस करते हैं. दैट मीन्स कोई प्रोजेक्ट है जिसका कुछ एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो हम कैसे पता चलाएंगे, हम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे. अभी हिमालयन रीजन काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि हिमालयन रीजन आपको पता है अभी काफ़ी फ्रेजाइल रीजन है एंड वहाँ पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को अच्छे से करने की बात हो रही है. तो अभी अपन समझते हैं पहले कि EIA जो है वो क्या, उसका प्रोसेस रहता है, कैसे वो कैरी आउट किया जाता है एंड देन वील सी कि हिमालयन रीजन में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैरी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है पूरा EIA का, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग में अपन क्या देखते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसका एक्चुअली एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो असेस करना ज़रूरी है या नहीं है. सो व्हाट डू वी सी वेदर द प्रपोज प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन EIA एंड इफ इट डज देन द लेवल ऑफ असेसमेंट दैट इज रिक्वायर्ड. स्क्रीनिंग के बाद हम सेकेंड स्टेज पे जाते हैं जहाँ पे हम स्कोप की बात करते हैं, दैट इज स्कोपिंग. स्कोपिंग में क्या करते हैं हम कि हम जिस तरीके से जो असेसमेंट कैरी आउट करेंगे उसकी हम बाउंड्रीज डिटरमाइन कर देते हैं या बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या इश्यूज होंगे, उनके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे. तो ये सारा क्या क्या एरियाज में हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा ये हम स्कोपिंग के थ्रू करते हैं. स्कोपिंग के बाद क्या होता है, हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस होता है कि अच्छा ये इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए, इन इश्यूज का एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है उसका एनालिसिस हम कहाँ करेंगे, हम इम्पैक्ट एनालिसिस वाली स्टेज पे करेंगे. इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद क्या आता है, मिटिगेशन. मिटिगेशन में क्या होता है कि लेट्स से अपने देख लिया कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के इश्यूज हैं, इन इश्यूज का एनवायरनमेंट पे इस तरीके का इम्पैक्ट है. तो ऑफ कोर्स अपन क्या करेंगे, अपन कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे जो एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे वो रिड्यूस हो जाए. तो मिटिगेशन में अपन क्या करें, अपन स्ट्रैटेजीज डिवाइस करें जिससे जो पोटेंशियल अपना डैमेज है एनवायरनमेंट को या जो पोटेंशियल एरियाज हैं वो अपन क्या सोचेंगे, अपन वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे या एक्शंस लेंगे जिससे वो जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाए. वंस यू हैव डन दिस यू गो टू द रिपोर्टिंग स्टेज. रिपोर्टिंग स्टेज में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप पूरा रिपोर्ट बनाकर दे रहे हो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को है कि आपने ये असेसमेंट कैरी आउट किया और ये आपका एनालिसिस था. रिपोर्टिंग के बाद क्या होगा, वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक के पास भी जाएगी, आपकी पूरी रिपोर्ट की हियरिंग होगी बिकॉज अल्टीमेटली लोगों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो. पब्लिक हियरिंग के बाद क्या होगा, आपका पूरा वापस रिव्यू होगा एंड रिव्यू में अपन देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो एडुकेट है भी या नहीं है, मतलब ऑथेंटिसिटी भी आप देखते हो. वापस पूरा फॉलोअप और रिव्यू होता है आपने जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट की है कंसर्न अथॉरिटी को. एंड फाइनल क्या है आपका, आपका डिसीजन मेकिंग स्टेज है जहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि जो प्रोजेक्ट है इसको अपने को रिजेक्ट करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए या इसमें कुछ फर्दर चेंज लाने चाहिए. रिजेक्शन प्रोजेक्ट का जब ही होगा जब आपको लगेगा कि उससे जो अपने को पोटेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी कम है एंड जो एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है वो काफी ज्यादा है. एंड अप्रूव अगर प्रोजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एनवायरमेंटल डैमेज है वो कंपैरेटिवली कम है या लेट्स से हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लेके आए हैं जिससे जो एनवायरमेंट पे डैमेज होगा वो कम हो जाएगा. एंड लास्ट जो हमारी स्टेज है वो पोस्ट मॉनिटरिंग स्टेज है. दैट मीन्स वंस द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड देन यू अगेन सी द पोटेंशियल और द लॉसेज विच आर गोइंग टू अकर फ्रॉम द प्रोजेक्ट. सो यू हैव दीज स्टेजेस, दैट इज स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, पब्लिक हियरिंग, रिव्यू, डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट मॉनिटरिंग. अब आपको इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि EIA जो है हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो कैसे कैरी आउट होता है. नाउ वी विल सी इकोलॉजिकल चैलेंजेस फेसिंग हिमालयस. तो आप सबको पता होगा कि ये जो रीजन है वो काफ़ी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है. यंग माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी अभी काफ़ी विजिबल हैं इस एरिया में एंड एज अ रिजल्ट ये रीजन काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स के प्रोन भी हो जाता है. फॉर एग्जांपल योर लैंडस्लाइड्स, योर एवलैंशेस एंड अर्थक्वेक्स. दूसरी चीज़ जो है कि जो हिमालयस है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को भी प्रोन है. फॉर एग्जाम्पल हैवी रेन्स एंड योर फ्लैश फ्लड्स. तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक कार्बन. ब्लैक कार्बन आपको पता होगा कि ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आपकी जो ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी मेल्ट हो रहे हैं और उससे क्या हो रहा है आपका, लाइक यहाँ पे लिखा है ना, इंक्रीज इन ब्लैक कार्बन इन द हिमालयस कॉन्ट्रीब्यूट टू द फास्टर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. तो ब्लैक कार्बन के एक्यूमुलेशन से क्या हो रहा है, आपके ग्लेशियर्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो रहे हैं हीट एब्जॉर्प्शन के कारण. और बाकी एंथ्रोपोजेनिक चैलेंजेस भी, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड, डिफॉरेस्टेशन जिसमें आपका हो गया,
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई, अनरेगुलेटेड टूरिज्म वो भी आपका एक पार्ट है, इम्प्रॉपर लैंड यूज़ विच बेसिकली इंक्रीज सॉइल इरोजन एंड द रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड्स। और क्या हो रहा है कि आपका जो वेजिटेशन कवर है उसका भी काफ़ी लॉस हो रहा है, एंड उस लॉस के चक्कर क्या हो रहा है, आपका जो हिमालयन स्लोप्स है वो डीस्टेबलाइज हो रही हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपका सपोज करो जो रूट्स होती है आपके ट्रीज की वो आपके सॉइल को बाइंड करके रखती है। अब वो वेजिटेशन ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, सॉइल आपकी लूज हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा, एंड आपके लैंडस्लाइड्स वगैरह हो गए, सॉइल क्रीप वगैरह हो गए, ये सब ज़्यादा फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अपने को पता है कि हिमालयाज अगर इतने फ्रेजाइल रीजन है तो हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बट यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके कुछ इश्यूज़ भी हैं, और इश्यूज़ क्या हैं अपन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जेनरिक इश्यूज़ अपन डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेके, और एक अपन स्पेसिफिक इश्यूज़ डिस्कस करेंगे EIA को लेके, स्पेसिफिक इश्यूज़ इन टर्म्स ऑफ हिमालयन रीजन। तो इश्यूज़ विद EIA क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, कि जो प्रोजेक्ट का प्रोपोनेंट है, जिसने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है किसी रीजन में, वो ही क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहा है ना। जस्ट इमेजिन अगर मैं प्रोजेक्ट की ओनर हूँ तो मैं नेगेटिव या फॉल्स रिपोर्ट क्यों दूंगी, जब मुझे पता है कि उस रिपोर्ट के कारण मेरे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम होगी। तो सेम ही पर्सन जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है वो ही EIA कंडक्ट कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन है। सेकेंड जो चीज़ है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है जब EIA की हम बात करते हैं। तीसरा जो चीज़ है, पब्लिक हियरिंग इज़ अ फार्स, कि जब आपकी रिपोर्ट लोगों के पास जाती है, पब्लिक में डिस्कस होती है, वो जनरली ऐसी लैंग्वेज में होती है जो लोकल जो लोग हैं उस एरिया के वो समझ नहीं पाते हैं, या उनके पास उतनी अवेयरनेस नहीं होती है उस चीज़ को समझने के लिए। तो पब्लिक हियरिंग हो तो रही है बट वो एक मियर फॉर्मेलिटी है। लास्ट जो चीज़ है, लैक ऑफ EIA प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स हैं जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं वो भी उस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं है, उनके पास भी वो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है EIA कंडक्ट करने के लिए, राइट। सो दीज आर सर्टन इश्यूज़ विद EIA एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में भी क्या हो रहा है, अपन ओवरऑल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, अपन सीलोज में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं कि लेट्स आज ए प्रोजेक्ट आया तो हमने उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर लिया, बी प्रोजेक्ट आया तो उसका हमने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर लिया, बट ओवरऑल इन सब प्रोजेक्ट्स का क्या एनवायरमेंट इम्पैक्ट होगा वो होलिस्टिक पिक्चर या वो होलिस्टिक आइडिया हम लोगों के पास नहीं है, एंड दैट इज़ वन मेजर इशू विद EIA। तो अब कुछ इशू है तो हम ऑफकोर्स उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो क्या इसका वे अहेड हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि हमें एक नेशनल रेगुलेटर की ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो एक इक्विटेबल बैलेंस मेंटेन कर सके डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट के बीच में। दूसरी जो चीज़ बोली गई है वो है क्यूम्यूलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इसमें देख रहे हो जो मैंने आपको अभी पहले डिस्कस करी चीज़, कि आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को देख रहे हो और उनका इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हो, बट अपने को अब करना क्या चाहिए, हमें हॉलिस्टिक इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए जहाँ पे हम सारे प्रोजेक्ट्स का क्यूम्यूलेटिव एनवायरमेंट पे जो इम्पैक्ट है हम उसको देखेंगे। और लास्ट जो है आपका वो है स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंट असेसमेंट क्या कर रहा है, असेसमेंट ऑफ द वाइडर एनवायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स एट द बिगनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो यू आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू द एनवायरमेंटल आस्पेक्ट, यू आर ऑल्सो कंसिडरिंग द सोशल आस्पेक्ट एंड द इकोनॉमिक आस्पेक्ट। एंड लास्ट जो है वो है कि आपका प्रोएक्टिव रोल ऑफ द EIA अथॉरिटीज, जो हमारी अथॉरिटीज है, जो ऑफिशियल्स है, उनको थोड़ा और ज़्यादा प्रोएक्टिवली, बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए इस चीज़ को लेके, बिकॉज जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब एरियाज में इंपॉर्टेंट है, एंड हिमालयन रीजन ज़्यादा फ्रेजाइल है, इसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर EIA असेसमेंट कराना हमारा और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक इन डिटेल। नाउ यू शुड नो वॉट EIA इज, वॉट इज़ द प्रोसेस, what are the issues related with EIA and what should be the way forward. अब आपके एग्जाम में कोई 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, you'll definitely be able to answer it. So with this, let's move on to the third topic. That is centralized procurement as a powerful health idea. Easy topic है ये comparatively, and बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत है, बस एक बेसिक आइडिया रखना है कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट क्या है और डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट क्या है। तो ये एडिटोरियल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स हैं
उन्होंने बोला है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो अपना 47.1% है 2019-20 में, 47.1% आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जिसमें से भी मेजर एक्सपेंडिचर आपका कहाँ जा रहा है, आपका मेडिसिन्स परचेज करने में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर 100 रुपीज़ टोटल अमाउंट है तो 47% कोई भी पर्सन हेल्थ पे अपनी पॉकेट से दे रहा है, और वो 47 रुपीज़ अगर मैं मानती हूँ तो वो 47 जो रुपीज़ है उसका मेजर अमाउंट कहाँ पे जा रहा है, मेडिसिन्स परचेज करने में। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स जो है वो काफ़ी हाई है, एंड एक नॉर्मल कॉमन मैन के लिए मेडिसिन्स अफोर्ड करना भी एक चैलेंजिंग टास्क हो रहा है। तो इसके लिए जो एडिटर है, जो ऑथर है इस आर्टिकल के, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट की तरफ जाना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट से। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या है और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या है। तो हियर आई गिव यू एन एग्जांपल। सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, एक्चुअली डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे थे क्योंकि उससे आपको फिर सेंट्रलाइज समझने में और इजी हो जाएगा। ये हॉस्पिटल 1 है, ये हॉस्पिटल 2 है, ये हॉस्पिटल 3 है, और ये लेट्स से कोई भी शॉप है जिनसे ये मेडिसिन्स बाय कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट क्या होगा, हॉस्पिटल 1 में इंडिविजुअली जाके शॉप से बाय कर रहा है, हॉस्पिटल बी भी अलग से जाके बाय कर रहा है, और हॉस्पिटल सी भी अलग से जाके बाय कर रहा है। तो लेट्स से 100 रुपीस की मेडिसिन हॉस्पिटल ए ने परचेज करी, 200 की बी ने करी, और अराउंड 300 रुपीस की हॉस्पिटल सी ने करी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हॉस्पिटल ए का अगर हम इंडिविजुअल अमाउंट देखें 100 रुपीस है, वो काफ़ी कम अमाउंट है एक तरीके से अपन मानते हैं। तो आपको लगता है हॉस्पिटल अगर इंडिविजुअली जाके शॉप से बाय करता है तो वो बार्गेन करने के बार्गेन कर सकता है शॉप से मेडिसिन के प्राइस के लिए? द आंसर इज नो। सिमिलरली हॉस्पिटल बी और सी भी अगर इंडिविजुअली जाके शॉप से परचेज करते हैं तो वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही नहीं है। तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि हम सेंट्रल डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की जगह वाई डोंट वी गो फॉर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट में क्या होगा, ये जो तीनों हॉस्पिटल है दे विल कलेक्टिवली, दे विल फॉर्म अ यूनिट एंड कलेक्टिवली बाय द मेडिसिन फ्रॉम द शॉप। तो अगर सपोज करो ये सारे शॉप्स एक साथ आ रहे हैं, तो अभी एक साथ लेट्स से 600 रुपीज़ की मेडिसिन परचेज करें, नाउ दे हैव द कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। तो वो बार्गेन कर सकते हैं, जो कॉस्ट है मेडिसिन की वो ऑटोमेटिकली थोड़ी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चक्कर में रिड्यूस हो जाएंगी। ऑल्सो एक चीज़ जो और हो सकती है वो है कि अगर सारे यूनिट्स कलेक्टिवली आए तो दे कैन ऑल्सो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स दैट दे आर परचेजिंग, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी बार्गेनिंग पोजिशन में नहीं है, बट अगर सब कलेक्टिव यूनिट फॉर्म कर लें तो दे कैन बार्गेन फॉर द मेडिसिन, द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन, एंड ऑल्सो दे कैन इंश्योर क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन। सो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के कंपेरिजन में बेटर है, इट हैज सर्टन एडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल lower cost which we have discussed because of bargaining power and economies of scale, it optimizes the allocation of funds, it ensures availability of life saving drugs। is point ko acche se samajhte hain ki ye kaise hoga। ab let's suppose karo ki har hospital ki apni individual requirement hai ek drug ko purchase karne ki, hospital a bhi purchase kar raha hai, hospital b bhi kar raha hai, hospital c bhi kar raha hai, but aisa ho sakta hai na, ab sab hospitals ne apne wo drugs hai stock karke rakh rakhe hain, बट एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जब हॉस्पिटल बी को उस ड्रग की कंपैरेटिवली ज्यादा जरूरत हो और अब वो मार्केट में खरीदने जा रहा है तो उसको वो ड्रग मिल नहीं रहा है। अब वो क्या करेगा, क्योंकि मार्केट में तो है नहीं, हॉस्पिटल ए के पास चाहे जरूरत है नहीं उसके पास तो वो स्टॉक पड़ा है, हॉस्पिटल सी के पास चाहे जरूरत नहीं है उसके पास स्टॉक पड़ा है, एंड जो हॉस्पिटल बी है जिसके पास ज्यादा जरूरत है, जिसको अभी इस पॉइंट पे उस ड्रग की ज्यादा जरूरत है, दैट हैज नो ऑप्शन, दैट हॉस्पिटल यूनिट हैज नो ऑप्शन फॉर दैट ड्रग। बट अगर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करेंगे तो क्या होगा कि आपने मेडिसिन का एक पूल रख रखा है, एक जगह आपकी मेडिसिन पूल्ड है, एंड जिस भी हॉस्पिटल को जितनी रिक्वायरमेंट है वो वहां से उतना परचेज करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी अवेलेबल अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। सो इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंड द लास्ट थिंग इज इट फैसिलिटेट्स थर्ड पार्टी असेसमेंट टू गारंटी द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। तो दो चीज़ों में आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ
कॉस्ट एंड द सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. कॉस्ट एंड क्वालिटी में आपको सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट. यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी भी दे रखी है कि नेशनल कैंसर ग्रिड जो है दे बिकॉज ऑफ पूल्ड प्रोक्योरमेंट दे नेगोशिएटेड एंड स्टैंडर्डाइज द कॉन्ट्रैक्ट्स विच रिड्यूस्ड द ड्रग कॉस्ट एंड दे मैनेज टू सेव 13.2 बिलियन by pooling their procurement efforts for 40 drugs, leading to savings ranging from 23% to 99%. आप इसका difference देख सकते हैं. And the study's authors concluded that the principles of group negotiation and pooled procurement can be extended to healthcare systems beyond cancer treatment. That means, cancer के अलावा भी हम बाकी areas में भी centralized procurement की तरफ जा सकते हैं. तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो एक पूल बना के एक यूनिट बना के ड्रग्स परचेस कर रहे हैं सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के थ्रू. बट अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने ये पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया है. सो इट सेज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज येट टू फुली रियलाइज द एडवांटेजेस ऑफ पूल प्रोक्योरमेंट फॉर स्कीम्स सच एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम. ऑन द अदर हैंड द कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैव रिकग्नाइज द बेनिफिट्स एंड हैव बीन डायरेक्टली नेगोशिएटिंग विद फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू सिक्योर सब्सटैंशियल डिस्काउंट. सो वेन प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन डू इट, वाई कांट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स शुड ऑल्सो फॉलो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम. एक चीज़ और जो ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट के थ्रू ड्रग्स परचेस कर रहे हैं, उनको कॉस्ट सेविंग्स हो रही है, बट ये जो कॉस्ट सेव हो रही है वो अभी पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है. विच मीन्स व्हाट, कि हॉस्पिटल्स डेफिनेटली एडवांटेज ले रहे हैं, उस चीज़ से बेनिफिट ले रहे हैं, बट उसका जो बेनिफिट है वो अभी कॉमन मासेस को परकुलेट नहीं हो रहा है. तो इसका नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट अपन करेंगे डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट की जगह, जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस होगी एंड ये कॉस्ट रिड्यूस जो हो रही है उसका इम्पैक्ट या जो बेनिफिट है वो कॉमन मासेस तक भी पहुँचना चाहिए. सो नाउ कोई भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, कोई रिफॉर्म आपको मेंशन करना है, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन अबाउट द सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द बीआरआई एट 10, सम हिट्स एंड मेनी मिसेस. सो बेसिकली ये न्यूज़ क्यों है, क्योंकि अभी जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है विच इज़ बाय द चाइनीज गवर्नमेंट दैट इज रिसेंटली कंप्लीटेड 10 ईयर्स. So now, first of all, we'll discuss what exactly the One Belt, One Road initiative is. So basically, it is a global development strategy adopted by the Chinese government in 2013. In simple terms, it is basically a massive infrastructure project. It is a massive infrastructure project which aims to connect China to rest of Asia, Europe, and Africa through a network of roads, रेलवेज, पोर्ट्स एंड पाइपलाइंस. दैट मीन्स ये इनिशिएटिव है वो किसने लिया है, चाइनीज गवर्नमेंट ने लिया है. एंड हो क्या रहा है, आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, दैट इट बेसिकली सीम्स टू कनेक्ट चाइना विद एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका. एंड यू हैव टू रूट्स, वन इज द लैंड रूट एंड सेकेंड इज द सी रूट. सो जो रेड पार्ट है आपका वो बेसिकली लैंड रूट को हाईलाइट कर रहा है एंड जो आपका ब्लू पार्ट है वो बेसिकली आपका मैरिटाइम रूट, आपका सी रूट को हाईलाइट कर रहा है. सो बेसिकली इट इज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच सीम्स टू कनेक्ट चाइना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप थ्रू मीन्स ऑफ बोथ लैंड एंड सी. नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. सो फर्स्ट, it helps to create a unified large market that makes use of both international and domestic markets, because aapka jab infrastructure create ho raha hai aapke alag alag international domestic markets link ho rahe hain to ek larger market create ho raha hai. The second thing is it also facilitates cultural exchange and integration. aapke proper connectivity hogi, tourism bhi badhega aapka, aapka jo flow of goods hai wo bhi badhenge, and ultimately isse cultural exchange aur integration bhi hoga. And last jo hai ki it will also enhance the mutual understanding and trust of the member nations. jo aapas mein countries hain jo involved hain unke beech mein jo cooperation hai, coordination hai, understanding hai, wo bhi kafi improve hoga. So these were the initial objectives which were highlighted when One Belt One Road initiative was proposed by the Chinese government. And iska significance bhi kafi zyada hai, because isse kya hoga, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप होगा
एंड जो फोकस है वो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार तो नहीं बोलूँगी बट स्पेसिफिकली काफ़ी लार्ज स्केल पे ऐसा हो रहा है कि कोई इनिशिएटिव आपकी ग्लोबल साउथ से आ रहा है एंड एट द सेम टाइम आपकी जो सदर्न जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो द शिफ्ट ऑफ फोकस टू ग्लोबल साउथ एंड इट ऑल्सो चैलेंजेस द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस बिकॉज यहाँ पे फंडिंग कहाँ से आ रही है? वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से नहीं आ रही है। सो बेसिकली इट ब्रिंग्स इन टू फोकस योर ग्लोबल साउथ। तो यहाँ तक तो पिक्चर काफ़ी अच्छी लगती है कि हाँ चाइना इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा, फंड्स प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो हमारी कंट्रीज है अफ्रीका में, एशिया में, जो अभी थोड़ी डेवलपिंग स्टेज पे है उनको भी काफ़ी बेनिफिट होगा बिकॉज इन कंट्रीज़ के पास इंडिविजुअली शायद तक उतना फंड नहीं हो इन्वेस्ट करने के लिए। सो नाउ व्हेन चाइना वुड हेल्प, इनके पास फंड्स आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी एनहांस होगा एंड इससे क्या होगा, जो आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं या आपका जो ग्लोबल सप्लाई है गुड्स का, सर्विसेज का, वो सब काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। हाउएवर दिस प्रोजेक्ट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड सर्टेन प्रॉब्लम्स। बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स आई वुड ऑल्सो हाईलाइट वन पार्ट फॉर इट दैट वाई चाइना इज प्रपोजिंग फॉर इट। लाइक चाइना ऐसा क्यों करना चाह रहा है? बिकॉज इट वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी, इट वॉन्ट्स टू एस्टैब्लिश इट्स और शोकेस इट्स ओन पावर। द सेकेंड इज इट विल हेल्प गिव लाइक ग्लोबलाइजेशन अ सेकेंड पुश। आपको सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद एक सेकेंड फेज आया जहाँ पे कंट्रीज वापस प्रोटेक्शन की ओर जा रही थी। तो इस स्टेज पर चाइना का ये जो प्रपोजल है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का, दैट वुड गिव अ बूस्ट टू ग्लोबलाइजेशन। एंड द लास्ट थिंग इज जो ऑल्टरनेटिव रूट है इट वुड डेवलप दैट, क्योंकि अभी आपको पता है मेजर ट्रेड फ्लोज कहाँ से हैं? मलक्का स्ट्रेट से हैं। सो नाउ विद दिस रूट इन पिक्चर इट वुड हेल्प चाइना टू फाइंड अ ऑल्टरनेटिव रूट। सो इट हेल्प्स चाइना एस्टैब्लिशिंग इट्स हेजेमनी, इट हेल्प्स इन रीबूटिंग ग्लोबलाइजेशन एंड द लास्ट इज इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट अपार्ट फ्रॉम द मलक्का स्ट्रेट। नाउ विद दिस लेट्स डिस्कस विद द कंसर्न्स। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है बट एट द सेम टाइम आपका जो एनवायरनमेंट है उस पर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। इकोलॉजी जो है, जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरनमेंट को ध्यान में देते हुए नहीं एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं कई जगह पे एंड एज अ रिजल्ट आपका इकोलॉजिकल डैमेज काफ़ी हो रहा है। देन ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि कोई भी आप लार्ज स्केल पर प्रोजेक्ट कैरी आउट करोगे तो आपकी उस जगह पर जितनी भी पॉपुलेशन रह रही है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सटेंड तक डेफिनेटली डिस्प्लेस होगी और डिस्टर्ब होगी। लास्ट थर्ड चीज़ जो है वो है आपकी पे एंड लेबर अनरेस्ट। हमने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखा है कि जो प्रोजेक्ट के लिए जो भी लेबर है उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, वर्किंग कंडीशंस भी नहीं है एंड एट द सेम टाइम जो सैलरी है, पे है उनका, वो भी काफ़ी कम है। तो इट्स बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर जो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। तीसरा चौथा चीज़ है, इनफैक्ट जो लास्ट के तीन पॉइंट्स हैं वो अपने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनसस्टेनेबल डेट एंड न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। अभी हो क्या रहा है कि चाइना फंड्स दे रहा है कंट्रीज़ को, कंट्रीज एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ये सोच के कि देयर विल बी अ टाइम वेयर इन दे हैव सफिशिएंट फंड्स नाउ टू कैरी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक बार क्रिएट हो गया, मार्केट डेवलप होगा एंड उनको उससे काफ़ी वापस इनकम जनरेट होने लग जाएगी। बट हो क्या रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो उनकी फीजिबिलिटी देखे बिना भी स्टार्ट करे जा रहे हैं, राइट? कि वो वेदर मैंने किसी जगह पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है रिटर्न देने के लिए, बिना रिटर्न कैलकुलेट करे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब कंट्री ने तो डेप्ट ले लिया, राइट? अब डेट लेने के बाद क्या हो रहा है, एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जब वहाँ पे डेट को रीपे नहीं कर पा रहे। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, राइट? और भी बहुत कंट्रीज में क्या हो रहा है कि चाइना इन्वेस्टमेंट दे रहा है बट इन्वेस्टमेंट देने के बाद जो कंट्रीज जिन्हें लोन लिया है वो उसको रीपे नहीं कर पा रहे एंड ये सब बोल रहे हैं कि ये बेसिकली न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म है, नया तरीका है जिससे चाइना बाकी छोटे छोटे कंट्रीज पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमें 100 ईयर्स तक ये लीज पर दे दो। तो बेसिकली हुआ क्या, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर ये पोर्ट सिचुएटेड है, अब वो उसका कंट्रोल किसके पास चला गया, चाइनीज गवर्नमेंट के पास। सो बेसिकली हुआ क्या, चाइना बाय दिस वे इज एक्वायरिंग स्ट्रैटेजिक असेट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो दे गिव सच अमाउंट ऑफ डेट विच द कंट्री इज अनेबल टू रीपे एंड एज अ रिजल्ट चाइना टेक्स प्लेस और चाइना यू नो कॉन्कर्स और टेक्स द ओनरशिप ऑफ दोज स्ट्रैटेजिक असेट्स विद इटसेल्फ विच इन टर्न इज लीडिंग टू वॉट, न्यू फॉर्म्स ऑफ इंपीरियलिज्म। सो इसकी जगह क्या हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं?
सो वी हैव फ्यू अल्टरनेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर विच बेसिकली सीक्स टू लिंक इंडिया वेस्ट एशिया एंड यूरोप थ्रू रेलवेज एंड शिपिंग लाइन्स. द सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज बेसिकली इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड जापान, राइट. एंड द थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान इनिशिएटेड द यूनाइटेड स्टेट्स जापान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन. एंड द लास्ट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, wherein US announced the Build Back Better World initiative as the partnership for global infrastructure and investment which aims to channelize private capital into climate change and energy security, healthcare and health security, digital technology and gender equity. So you don't have to write so much. You can mention about India Middle East Europe corridor, you can mention about Asia Africa growth corridor, you can mention about Build Back Better World. There is no need to describe it or give the description of it in your answers. Just mentioning the keywords would also do. So in this article, basically in nutshell, what we have discussed, what is the One Belt, One Road initiative, what are the objectives, why it is important for China, what are the challenges, and what are the alternatives. So with this, we have completed this article, and now we'll move on to the last article for today, and that is an opportunity to recast India's food system, right? सो ये आर्टिकल भी इसलिए न्यूज़ तब में है क्योंकि वर्ल्ड फूड डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया था. एंड वर्ल्ड फूड डे में आपको रिसेंटली बताया है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ व्यूइंग फूड एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इंडिया विद इट्स वास्ट पॉपुलेशन कन्फ्रंट्स यूनिक चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग अ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फूड सिस्टम. तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है लोगों का जो वेलबींग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो वर्ल्ड फूड डे है वो काफ़ी एम्फोसाइज कर रहा है उस चीज़ को कि हमें एक सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम बनाने की ज़रूरत है. अब यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं. अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है. डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्यों? क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ऑबेस है, राइट. ऑन द अदर हैंड कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मैल न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से सफर कर रही है. सो ऑन वन हैंड यू हैव ओबेसिटी प्रॉब्लम्स, ऑन द अदर हैंड देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनएडिक्वेट फार्म इनकम्स. क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं जो बेसिकली स्ट्रगल करते हैं अपने एंड्स को मीट करने के लिए, एंड इसके चक्कर में वो काफ़ी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिससे उनको थोड़ी इनकम मिल जाए. एंड ये जो सिचुएशन है वो कैसे कंपाउंड हो रही है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनकम डाइवर्सिफिकेशन. अब आप ये चीज़ देखो कि हमें पता है कि एग्रीकल्चर में मेजर पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, और मेजर पॉपुलेशन जो है वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की है. तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अपने लैंड से जितना भी प्रोड्यूस दे रहे हैं, पहली बात उनकी लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. जितना भी प्रोड्यूस आएगा वो सफिशिएंट नहीं है कि उनकी सारी एंड्स मीट हो सके, राइट. नाउ विद दिस उनके पास जो इनकम होगी डिस्पोज करने के लिए, उनके हाथ में जो इनकम होगी स्पेंड करने के लिए, वो भी कम होगी. एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? लेस इनकम की वजह से वो उतने हेल्दी फूड की तरफ या उतने जो हेल्दी फूड ऑप्शंस अवेलेबल है वो उनको परचेज नहीं कर पाएंगे. तो हो क्या रहा? एक तरफ तो आपकी लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत ख़राब है बिकॉज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास स्किल्स भी नहीं है, उनके पास एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट पावर भी नहीं है, वो अच्छी टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. एंड एज अ रिजल्ट उनके पास जो इनकम आ रही है वो उनके खुद के एंड्स भी मीट नहीं कर रही है. एंड एट द सेम टाइम वो अच्छे न्यूट्रिशियस फूड को नहीं कंज्यूम कर पाएंगे. तो लैक ऑफ स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनकम डाइवर्सिफिकेशन वो भी नहीं है. एंड एज अ रिजल्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो आपका मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है भी, वो न्यूट्रिशियस फूड की तरफ नहीं जा पाएगी. लास्ट जो चीज़ है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल हेल्थ एंड ग्राउंड वाटर कपल्ड विद इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पोजेज अ थ्रेट टू रेजिलियंस ऑफ इंडियाज फूड प्रोडक्शन. अपन ने आर्टिकल के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, पॉल्यूशन है, इम्प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं, राइट, सॉइल इरोजन है.
तो ये सारी चीज़ें हमारे जो फूड सिस्टम को है, जो हमारे फूड प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको काफ़ी हैम्पर कर रही है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस, वी हैव डिस्कस अबाउट द डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, वी हैव डिस्कस अबाउट इनएडिक्वेट फार्म इनकम्स, कि आपके लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है एंड आपको जो उस लैंड से इनकम आ रही है उससे आप अपने न्यूट्रिशियस फूड को बाय भी नहीं कर पा रहे हो. और लास्ट जो है कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, एज अ रिजल्ट जो आपका इंडिया का फूड प्रोडक्शन सिस्टम है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. इनफैक्ट NFHS 2019-21 में ये बताया गया है दैट 35% ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस स्टंटेड ग्रोथ. यू कैन ऑलवेज मैंशन दिस डेटा इन योर आंसर टू गिव क्रेडिबिलिटी. सेकेंड जो है 57% ऑफ वुमेन एंड 25% ऑफ मेन आर एनेमिक. 24% ऑफ अडल्ट वुमेन एंड 23% ऑफ अडल्ट मेन आर ओबेस. And over 68% of marginal farmers supplement their incomes with non-farm activities. That means जो हमारा production, food production system है वो कहीं ना कहीं weak होता जा रहा है. And as a result, जो small and marginal farmers हैं उनको non-farm activities पर जाना पड़ रहा है अपनी incomes को supplement करने के लिए. So what is the way ahead? So the author says कि हमें कंज्यूमर्स को हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ, जो सस्टेनेबल डाइटरी चॉइसेस है उनकी तरफ प्रमोट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के लिए अवेयर करवाना चाहिए. देन ऑल्सो कोलैबोरेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी एंड हेल्थ केयर कम्युनिटी, सोशल मीडिया, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस इन प्रमोटिंग लोकली ग्रोन न्यूट्रिशियस ऑप्शंस. देन पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव लाइक द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम can also contribute to improving food choices. So here different measures are given so that dietary choices, sustainable dietary choices are promoted. Collaboration between private sector and your social media is asked for so that locally grown nutritious options are available. And public distribution system can also contribute to improving food choices so that with the distribution system you can give different kinds of grains to the people so that they are able to maintain a healthy diet and a healthy lifestyle. Now second thing is support farmers transition. Now you know ki most of the farmers small and marginal hai, they do not have enough skills, they do not have enough investment and also technology ki wo ye shift le sake. Right? So you also have to support the farmers from transiting from, let's say, unhealthy options to healthy options when it comes to sowing the crops. So increase funding for sustainable agriculture initiatives, broaden support for agroecological practices, and transition from input subsidies to direct financial support per hectare. So instead of giving subsidies in terms of fertilizers, in fact, what should be done? Direct financial support in terms of cash should be provided per hectare. So agriculture research and extension services should focus on sustainable practices. So basically, all these initiatives would help the farmers to transit from, let's say, unhealthy options to healthier options when it comes to sowing the crops. And last is sustainable value chains. So enhance the sustainability and inclusivity of the entire farm to fork value chain. That means farm to fork means from where the crop is produced till it is served on your plate. तो जो value chain है जहाँ पे आपका हर stage पे कुछ ना कुछ value addition हो रहा है, उन जो chains को अपने को क्या करना चाहिए, उनको और sustainable बनाना चाहिए और inclusive बनाना चाहिए. Encourage intermediaries and corporations to procure directly from farmers and prioritize sustainably sourced produce. Facilitate the exchange of produce between the farmer producer organizations to ensure that large portion of the value reaches the farmers. कि जो भी वो produce कर रहे हैं वो उनका income है, वो उनको उस चीज़ का benefit मिले. So all these things would help in building a, let's say, inclusive and sustainable food production system. So with this we have reached the end of the session today. 5 articles हमने discuss किए and I hope आप एक बार इन सबको revise करना and you'll get sufficient content to write good answers in your mains. So thank you and stay tuned for the next session.